नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आइए बात करते हैं बिहार में कोरोना के पिछले 24 घंटे की क्या रही स्थिति। देश में कोरोना के मामले में पिछले कुछ दिनों में लगातार तेजी देखी जा रही है। देश में महाराष्ट्र, पंजाब, केरल में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से वृद्धि देखी गई है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए बिहार सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं अगर हम देश की बात करें तो देश के 18 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट मिले हैं। इस वेरिएंट के बारे में बताया जा रहा है कि यह पहले वाले कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है। इस न्यू वेरिएंट के सबसे ज़्यादा मामले पंजाब में देखे जा रहे हैं। यह विश्व में ब्राज़ील, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा वेरिएंट पाए गए हैं। मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में होली का त्यौहार है। ऐसे में प्रवासी बिहार के लोग बिहार आ रहे हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने अलर्ट जारी किया है। बिहार सरकार ने सभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और अब बस स्टैंडों पर भी बिहार से बाहर से आने वाले लोगों पर नज़र रखा जा रहा है। दूसरे प्रदेश से आने वाले लोगों से कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट मांगी जा रही है। इसके साथ ही अगर उनमें कोरोना के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो कोरोना जाँच करने की भी बात कही गई है। वहीं अगर हम देश में कोरोना के मामलों की बात कर लें तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 10 लाख से ज़्यादा सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 53,000 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 251 लोगों की मौत हुई है। इधर बिहार सरकार ने होली मिलन समारोह के साथ ही और भी बड़े कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है और कहा है कि बिहार से बाहर से आने वाले लोग क्वारंटीन में रहें। ऐसे में आइए जान लेते हैं पिछले 24 घंटे में बिहार में कोरोना की क्या रही स्थिति। बिहार में पिछले 24 घंटे में 56,232 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 170 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक कुल 2,61,648 मरीज ठीक हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 726 है। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं बिहार के जिले में कितने हैं कोरोना के पॉजिटिव मरीज। सबसे पहले बात करते हैं औरंगा की। औरंगा में एक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं बांका में एक, बेगूसराय में 6, भागलपुर में 8, भोजपुर में 1, बक्सर में 2, दरभंगा में 3, पूर्वी चंपारण में 1 भी नहीं, गया में 11, गोपालगंज में 2, जमुई में 2, जहानाबाद में 3, कैमूर में 2, कटिहार में 5, किशनगंज में 3, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 2, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 5, पटना में 74। पिछले लंबे समय से पटना में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले की पुष्टि हो रही है। ऐसे में पटना में एक बार फिर 74 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। पूर्णिया में 2, रोहतास में 3, सहरसा में 2, सारण में 2, सिवान में 1, सुपौल में 5, वैशाली में 3, पश्चिमी चंपारण में 9 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं अगर हम बिहार में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी बहुत तेज़ी से चल रही है। बिहार में अगर हम पहले डोज और दूसरे डोज के को मिलाकर अगर हम बात करें तो 24 मार्च 2021 को 82,835 लोगों को वैक्सीन दी गई। और ये अगर हम अब तक के वैक्सीनेशन की बात करें तो 22,20,087 लोगों को वैक्सीन दी गई है। अब तक की अगर हम बात पहले डोज की कर लें तो पहले डोज में 24 मार्च 2021 को जो पहला डोज दिया गया वो था 76,978 लोगों को यह डोज दिया गया। वहीं अगर हम अब तक के फर्स्ट डोज की अगर हम बात कर लें तो वो है 18,12,039 लोगों को यह डोज दिया गया है। वहीं अगर हम दूसरे डोज की बात करें तो 24 मार्च को 5,857 लोगों को यह दूसरा डोज दिया गया। अगर हम अब तक के दूसरे डोज की बात कर लें तो वह है 4,08,048 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। तो ये थी बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना की रिपोर्ट। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।